हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम व्यू साइट। तो गाइस, मैं सुमित मग्गो आज के नए व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने तकिया कलाम को कंटिन्यू रखता हूं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को आज की राम राम और बाकी सबका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। तो गाइस, हमारा ये व्लॉग शुरू हो गया है। आज का ये व्लॉग बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बिल्कुल ही अलग सोच से, एक नए तरीके से, एक अलग तरीके से आप लोगों को कुछ पेश करने जा रहा हूँ और वो पेशकश कुछ इस प्रकार रहेगी। तो मैं अभी सबसे पहले अपना सेटअप लगा लूँ, कैमरा वैमरा लगा लूँ और चलते हैं। पहले एक जाना है होलसेल मार्केट में, कुछ मिठाइयाँ लेनी है और उनको शेयर करेंगे किसी के साथ। चलिए फिर शेयर करते हैं फटाफट से। तो भाई साहब, निकल चुके हैं हम लोग। सबसे पहले होलसेल मार्केट चलना है हम लोगों को, तो चलिए फटाफट से काम पूरा करते हैं। तो गाइस, फाइनली मैं नाहरपुर पहुंच गया हूं और अब कहीं पार्किंग देख करके अपनी स्कूटी पहले लगाते हैं और उसके बाद आप लोगों को मार्केट में लेकर चलते हैं कि हमें लेना क्या है। तो चलिए पहले कहीं पार्किंग देखें, उसके बाद कोई बात करेंगे आप लोगों से, है या नहीं। तो गाइस, फाइनली ये मैंने ले लिया है। आइए आगे निकलते हैं, चलते हैं फिर आगे। हॉर्न के बाद ये एक नया हॉर्न आया है, देखिए। ये सुनिएगा, अभी जानते जानते लगा रखिए। अंकल एक बार और है? एक बार और नहीं, नहीं, जैसे कर रहे थे वैसे ही करो, जाने दे कर देना, हम जाने नहीं देंगे नहीं तो आपको। अरे बोला ना अंकल, अरे बोला ना अंकल। तो गाइस, मैंने सोचा कि आज दीपावली जो है वो कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ मनाई जाए, गरीब बच्चों के साथ, जो लोग दिवाली नहीं मना सकते या जो लोग मना नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के साथ मनाते हैं दिवाली और दिखाते हैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हुए। तो उनके लिए ये मैंने मिठाई खरीदी है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से किसी ना किसी या कैसे भी बच्चों को देखकर, जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ मनाते हैं दिवाली। आइए फटाफट चलते आगे, कोई एक बंदा आ जाओ। आराम से बेटा, मैं ना गिर जाऊं। रख लिया ठीक से, रख लिया बच्चे। चल ठीक है, क्या पढ़ते हो तुम? हाँ पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स्थ सी। सिक्स्थ में? कितने साल का है तू? तेरे को खुद ही नहीं पता, तू आठ का है, दस का है, सिक्स्थ है। नो बीच में खा गया था। है दस साल का हो गया है, बहुत बढ़िया। कौन सा स्कूल में पढ़ता है? सरकारी में। अच्छा, और ये पापा क्या करते हैं तेरे? यहाँ पे रोक दो, यहाँ पे लग रही है। जा उठा ले, आराम से उठा ले। बस यही छोड़ना है? नहीं यार। तो फिर थैंक यू क्यों कर रहा है? A few moments later. आएगी कैसे इतनी सारी? आ जाएंगी।
अबे तुमको तो लिफ्ट मिल गई सबको, क्या बात है। अबे सबको लिफ्ट मिल गई, अब तू इनके साथ जाएगा या छोड़ना है तेरे को? मेरे को छोड़ दो। ज्यादा लक्कड़ बेटा, अब नहीं उठ पाएगी। जाऊं मैं? ये लो डब्बे बहुत उठाते हो, ये लो हैप्पी दिवाली। अरे तू भी बोल दे, खोलो और खा लो हाथ धो करके, ठीक है। बेचना नहीं इसे, हाँ बेचना नहीं, ये पाप हो जाएगा, नहीं तो मैं खोल देता हूँ। अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया, ये लो हैप्पी दिवाली, सब मिलके खा लोगे ना, मुंह मीठा कर लेना अपना याद से, ठीक है। खा लो खा लो, घर भी ले जाना। किस किस की बहन भाई छोटा और साथ में है तेरा? साथ नहीं रहता इनके? अच्छा, और सब ले जाओगे? ये लो एक और ले लो, चलो चल ठीक है, घर लेकर जाइयो, एक एक इनके साथ खा लो, खा लो बेटा खा लो, गुड। तो गाइस एक बढ़िया सी फीलिंग आ रही है दिल में, बढ़िया वाली एकदम, कि आज कुछ गरीब लोगों के घर में भी मिठाई पहुंच रही है हमारी वजह से। तो आप लोगों का ऐसा ही प्यार चाहिए, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा, और ये दिवाली हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार की, और आप लोग हमारे साथ हैं, और बस अपना प्यार बनाए रखिएगा इसी तरीके से हमारे साथ में। चलिए आगे और भी देखते हैं, हम अपने साथ खूब सारा मसाला लेकर आए हुए, इसीलिए आगे कुछ और मिलता है हमें तो हम वो भी देखते हैं और उन बच्चों को भी खिलाते हैं मिठाई। हेलो भैया, हैप्पी दिवाली, आप सब मिलके खा लोगे? ठीक है, हैप्पी दिवाली भैया, आप सभी को घर वालों के लिए भी लेकर जाना अगर बचे तो। आराम से हाथ नहीं, पिछड़ जा, रुक जा भाई, हट जाओ पीछे, हट जाओ सारे। ये ले बहना, हैप्पी दिवाली, बच्चों को सबका मुंह मीठा करा दियो, सबका मुंह मीठा करा दियो। सिर्फ ये कारण होता है जो हर कोई आदमी डरता है। देखिए मेरे इसमें कैमरा भी पड़ा हुआ है, राइडिंग का ग्लव्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, अगर ऐसे में कोई भी चीज़ चोरी हो जाता है या नुकसान होता है तो वो नुकसान होता है, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों से बस एक आदमी को परेशानी होती है और किसी चीज़ से परेशानी नहीं है। ये लोग ऐसे वो हाय तोबा कर देते हैं जैसे कि इन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, तो यही गुस्सा आती है बस। चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं और देखते हैं फिर और क्या हमें बच्चे मिलते हैं, कौन मिलता है। एक ये विकलांग जा रहा है रॉन्ग साइड से, इसको भी लेते हैं, आ जाओ फटाफट आ जाओ। चाचा हैप्पी दिवाली, चाचा हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, सबका मुंह मीठा कराना घर में, दिवाली आ रही है, दिवाली, आपको दिवाली की शुभकामनाएं।
अंकल जी के साथ कोई था भी या नहीं, या अंकल जी अकेले रहते हैं पता नहीं, बहुत परेशान से दिख रहे थे। मैं भी कहीं बंधा हुआ हूँ, मेरा भी कोई परिवार है, मैं भी कुछ लिमिटेशंस में ही रह सकता हूँ, मैंने बच्चों के लिए भी आगे कुछ करना है। मैं जो कर सकता था कर तो खैर और भी सकता था, लेकिन अंकल जी की शक्ल देख के मुझे ऐसा लगा वो कुछ और भी चाहते हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा यार, क्या मैंने गलत किया या सही किया, या मैं भी कहीं बंधा हुआ हूँ यार, मेरे पे भी जिम्मेवारियाँ हैं यार, तो क्या बताऊँ मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं तो घुस भी नहीं पा रहा था इसमें से। ये लो जी दिवाली की शुभकामनाएं, मुंह मीठा कराइए सबका, सब बच्चों को खिलाना। आप अलग हो? अच्छा आज मैं निकल नहीं पाऊंगा, वो छोटी सी जगह। ये लो जी सब बच्चों का मुंह मीठा कराना। बेटा मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो अकल ही नहीं है, आपके आपके जैसे चार बच्चे हैं मेरे, एक कुत्ता भी है मेरे घर में। गाइस आप लोगों को कुछ पता चला हमने कितने किलो मिठाई बांट दी अब तक? हम 4 किलो मिठाई बांट चुके हैं अब तक, बस 1 किलो मिठाई बची है हमारे पास। सिर्फ 2 डब्बे बचे हैं। और अभी वो भी बांटते हैं, हम देखते हैं कोई बच्चे या कोई गरीब लोग हमें दिखते हैं तो उनको देते हैं। आइए आगे निकलते हैं, अभी थोड़ा सा और धीरे 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 कहीं ना कहीं कोई हमें मिल ही जाएगा ऐसा। तो गाइस यहाँ से ले रहे हैं यू टर्न, क्योंकि दूसरी सड़क पे एक साइकिल वाला दिखाई दे रहा है, बड़ा ही शक्ल से गरीब सा दिख रहा है, साइकिल रिपेयरिंग करता है। और आज की तारीख में लोगों के पास 2-व्हीलर के तौर पे स्कूटी मोटरसाइकिल ये सब है, और साइकिल वालों के लिए थोड़ा जीना मुश्किल है, पर ये साइकिल रिपेयरिंग की परंपरा को चलाया जा रहा है। तो चलिए एक बार इस अंकल का भी मुँह मीठा करा ही देते हैं। अंकल जी दिवाली मुबारक हो, दिवाली मुबारक हो, मुबारक हो साहब, दिवाली मुबारक हो। मुंह मीठा नहीं करेंगे? मुंह मीठा नहीं करेंगे? घर में कितने बच्चे हैं? दो। कितने बड़े हैं? एक की सर्विस लग गई रेलवे में। अच्छा एक अग्रवाल टेंट में करवाई दे रहा है। अच्छा तो मतलब आपको कोई कमी नहीं है? आपको नहीं कमी, लेकिन आपकी दुकान देख के लग रहा है आप रिटायरमेंट ले लो। आप गांव जा रहे हैं तो दिवाली बाद, दिवाली बाद फिर वहीं रहेंगे? ना अभी तो पंजाब जाएंगे जहां लगता है। अच्छा चलो बढ़िया, मुंह मीठा कर लेना अपना। भाई ये तो बहुत ही बड़ा अमीर आदमी निकला, 2 बच्चे इसने सेटल कर रखे हैं, बिल्कुल फुल ऑन है या नहीं। चलो अब आगे निकलते हैं, फिर देखते हैं, शक्ल से नहीं अंदाजा लगाया जा सकता भाई किसी की भी। उसके आगे तो लग रहा था मैं गरीब हूँ उससे। सच में यार उसके आगे ऐसे ही लग रहा था जैसे वो मैं गरीब हूँ उसके आगे तो भाई। हो गए मुझे घूमते हुए, काफ़ी लोगों को मैंने गिफ्ट दे दिया, मतलब मिठाई खिला दी, स्पेशली बच्चों वालों को और गरीब वालों को, सबको देने की कोशिश करी है। इस बीच में कहीं एक आधा जगह चूक गया हूँ तो मुझे माफ़ करना, जैसे कि साइकिल वाला तो अमीर आदमी निकला। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसके नसीब में था इसलिए उसे मिल गया। चलिए और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या नाम है, हमारी रानी का ध्यान रखने वाले किशन मिस्त्री को भी मिठाई दे देनी चाहिए। क्या कहते हो आप लोग, किशन मिस्त्री को भी मिठाई दे देना है ना? चलिए आइए फिर फटाफट से किशन मिस्त्री के पास पहुँचते हैं और उसको भी मिठाई देते हैं। कहाँ गया किशन? कितनी देर में आएगा? टाइम लगेगा, शाम तक आ जाएगा।
गाइस सुबह से हो गई शाम, किशन भैया मिले हैं अब तो। जैसा रानी ने कहा था वैसे ही हम किशन भैया के पास आ चुके हैं। किशन भैया राम राम कर दो। राम राम जी। चलिए किशन भैया, एक छोटी सी त्यौहार के मौके पे आपके लिए एक तोहफा लाए हैं, वो देने के लिए आए हैं। लो किशन भैया, मुंह मीठा करो। हैप्पी दिवाली। दिवाली सर। थैंक यू। तो गाइज आई होप आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करते रहना, बता देना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, और कुछ ऐसी बात जो कि आप हमसे पूछना चाहते हो या हमारी अच्छी ना लगती हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, और जो अच्छी लगती हो वो भी कमेंट कर देना भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के ब्लॉग में, क्योंकि किशन भाई को मिला नहीं है तो अभी हाल फिलहाल किशन को हम वैसे ही खिलाएंगे मिठाई, ये अभी देखते हैं, रख लेते हैं, शाम को दे देंगे, और वो थोड़ा मोबाइल पे ही शूट कर लूँगा। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, और आज के लिए बाय बाय।